नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह BNX देखने वाले समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी मैं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड मिश्रौली NH57 के समीप अवस्थित संत जेवियर इंग्लिश स्कूल के बाहर खड़ा हूं। आज मैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आया हूं, जिसका नाम है हमारी बिटिया। यह कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के पहल के रूप में आपके पास आए हैं। वास्तव में आधुनिक समाज, खासकर ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की कम संख्या बच्चियों के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। लगभग सभी भारतीय समुदाय में सशक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, पुत्र के प्रति वरीयता और बेटियों के प्रति भेदभाव की समस्या का जड़ है। अतः हमारी बिटिया कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने और उसमें वृद्धि करने की एक पहल है। हमारा यह प्रयास महिलाओं के सशक्त बनाने, उन्हें सम्मान दिलाने हेतु लड़कियों के लिए अवसरों में वृद्धि करने का एक पहल है। सही मायनों में यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे प्रचारित करना हमारी आपकी जिम्मेवारी ही नहीं, अधिकार भी होना चाहिए। यह कार्यक्रम आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। MD फाउंडेशन के माध्यम से स्कूल 5 बच्चियों को गोद लेने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत बच्चियों को निशुल्क पाठन पाठन 1-10 क्लास तक संस्था की ओर से दिया जाएगा। आपके घर या आसपास में कोई ऐसी बच्ची हो जिसके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर है, वैसे अभिभावक अपने मुखिया या सरपंच से अनुशंसा करवाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चियों को निशुल्क पठन पाठन के अलावा लोगों में जागरूकता अभियान फैलाना भी है। जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है। हम दीप शिक्षा के हैं। हमारी बिटिया कार्यक्रम के अंतर्गत अभी मैं दरभंगा जिला सिंहवाड़ा प्रखंड सिमरी बसतवाड़ा गांव में खड़ा हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं, ये बसतवाड़ा मस्जिद है। अब मैं यहाँ के कुछ अभिभावकों से जानने की कोशिश करूंगा कि उनका हमारी बिटिया कार्यक्रम को लेकर क्या राय है। संत जेवियर अच्छा स्कूल है और वहाँ पे ये नया अभी रूल्स लागू हुआ है कि जिसमें कि 5 बच्ची को गोद लेने के लिए, मतलब साल में ईयरली हर साल में 5 बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिसका अभी हर जगह ताकि बच्चे लोग जो भी हैं उसको जागरूकता हो और अपने माँ बाप और अपने जो भी हैं बेटी को खुल करके पढ़ने के लिए भेजें ताकि बच्ची आगे बढ़े। नहीं, स्कूल का जो सोच है ये बहुत अच्छा है। वो चाह रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी बच्ची को 5 का उन्होंने रूल्स लागू किया कि 5 को हम 1-10 तक पढ़ाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सोच है। इस तरीके का सोच रहेगा तो बहुत सारे पब्लिक और जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्ची को वहाँ एडमिशन करवाएं और अच्छा पढ़ाई, मतलब कि दिलाने का कोशिश करें। इसमें अच्छा है, गरीब का बच्चा भी पढ़ सकेगा और जिसका जेब अलाउ नहीं करता, जिसका 2 बच्चे हैं और तीसरा को भी चाहता है कि पढ़ाएं तो नहीं पढ़ा पाएगा, लेकिन जब अगर इस तरह का स्कीम है तो बच्चा भी पढ़ लिख सकेगा। तो अच्छा पहल है ये, हर बच्ची पढ़ सकेगी और आगे बढ़ सकेगी। आइए, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अरई बिरधीपुर के मुखिया लतेफुल रहमान जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बिटिया कार्यक्रम को लेकर उनका क्या सोच है। ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है और हम लोगों को जो मौका मिला है उसमें पुरजोर कोशिश करेंगे, जितनी भी बच्ची हो, गरीब की बच्ची हो, जिसको
पढ़ाने का शक्ति नहीं हो उसके माँ बाप को, उसका जो है पूरा सहयोग करके उसको पढ़वाने का काम किया जाएगा। इसमें जो है हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बेटियों को भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाई शुरू किया जाए, शिक्षा दे, उससे समाज में सुधार होगा, आने वाले भविष्य में अच्छा रहेगा। इससे पहले भी हम लोग बहुत जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं, शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई इसमें हर तरह से हम लोग जो है बार बार बहुत तरह से प्रयास करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये संत ज्वेलर्स का बहुत अच्छा सराहनीय काम है, इसको जहाँ तक हो सकेगा हम लोग अंजाम तक पहुँचाएँगे और हर संभव मदद जो है उसको किया जाएगा। बेटियों के बारे में हम लोगों का पहले भी इसे बहुत बार जो है कार्यक्रम हो चुका है, उस पर जागरूकता अभियान हम लोग बहुत बार पहले भी कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो संत ज्वेलियर्स इस तरह का हम लोगों को जो मौका दिया है इसमें भी भरपूर उनका सहयोग हम लोगों की तरफ से भी होगा। आइए अब मैं आपको मिलवाता हूँ संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल की शिक्षिका संगीता भट्ट से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम हमारी बिटिया है क्या और इसमें अभिभावकों एवं बच्चियों के लिए आप क्या दे रही हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, इस मंच के माध्यम से मैं तमाम अभिभावकों को नमस्कार करती हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल ने इस हमारी बिटिया योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत हमारा स्कूल उन सभी अभिभावकों को ये कहना चाहेंगे जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, हमारे इस योजना के तहत हम 5 लड़कियों को गोद लेते हैं और उन 5 लड़कियों की 10वीं तक की जो शिक्षा होती है वो हम हमारा स्कूल मुफ्त में स्कूल देता है उन बच्चियों को। स्कूल में ये योजना विगत कई वर्षों से शुरू हुई है, उस योजना को जानने के लिए आप स्कूल में हमारे स्कूल में आएँ और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट से आप संपर्क करें। खुद शिक्षिका हूं और एक महिला शिक्षिका हूं, तो मैं ज़रूर चाहूंगी कि तमाम जो लड़कियां हैं जो कि शिक्षा से वंचित हैं वो इस योजना का फ़ायदा उठाएं और जो समाज में जो ये पुरानी जो धारणा बनी हुई है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए ये एकदम पूर्ण रूप से गलत है। लड़कियों को सामने आना चाहिए, पेरेंट्स को आगे बढ़ के इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए और लड़कियों को वो पूरी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि लड़कियां भी शिक्षा अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से विकसित हों और समाज को वो शिक्षित करें। जब वो शिक्षित होंगी तो हमारे समाज को शिक्षित करेंगी। धन्यवाद।